हे दोस्तों नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप 10वीं पास हो, आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों आप जो पोस्ट ऑफिस है उसमें GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो है जॉब दोस्तों आप पा सकते हैं। क्या प्रोसेस है यदि आप और खास करके दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको झारखंड के बारे में बताने वाला हूं, इसमें जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ये दोस्तों देखिए ये बहुत सारी पोस्ट, ये एज है दोस्तों इसमें 18 से 40 है। SC ST उम्मीदवार को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और उनको जो है OBC को 3 साल का। इसमें दोस्तों सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास यानी कि दोस्तों आप 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है, और आपने मैथ्स और इंग्लिश पढ़ी हो और थोड़ा आपको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। इसमें जो दोस्तों सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, इसमें जो है 10वीं के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको और भी पोस्ट वगैरह बताऊंगा कि कितनी क्या पोस्ट हैं। ये आपको देखिए ये वेबसाइट है, ये वाली लिंक जो है इस पे आपको क्लिक करना है। इसको आप लिख लीजिए, इसको गूगल पे दिया। अब GDS ऑनलाइन पे जाके भी आप देख सकते हो और 5 जुलाई तक ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें ये इतनी जानकारी जो दी है ये सब फिल करनी है फॉर्म में। और फीस दोस्तों आपकी ये फीस 100 रुपये लग रही है, ठीक है। और SC ST उम्मीदवारों के लिए फीस नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें के कितने क्या पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, ये आप देख सकते हैं। ये हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट, देख सकते हैं। EWS की 36, OBC की 97, और जो दिव्यांगजन हैं उनकी देखिए 7, 11, 18, 20, 24 वैकेंसी। SC की 99, ST की 202, 201, UR की 347, और कुल टोटल 804 वैकेंसी हैं।